हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ रिलेटिंग टू वुमेन्स रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं से संबंधित है। ए ऑप्शन में कहा महिलाएं मानव प्रजाति की एक प्रमुख अंग हैं, जो कि सही कहा गया है। बी में कहा है महिलाएं मानव होने के कारण मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं को धारण करती हैं, ये भी सही है। और सी में कहा है महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन समाज के प्रबल वर्ग द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मतलब ए बी सी पॉइंट्स जो है महिलाओं से संबंधित हैं, जो कि सही हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि सर्वप्रथम महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्यधिक भेदभाव रोकने के लिए सन 1946 में महिलाओं को इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए किसकी स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, महिलाओं की प्रायस्थिति पर आयोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, अभी समय ने भाग तीन के अंतर्गत ऐसे कई क्षेत्रों का प्रतिपादन किया है। अब आपको ध्यान देना यहाँ पर कि भाई भाग तीन के अंतर्गत ऐसे कई क्षेत्रों का प्रतिपादन किया गया है, तो किन चीज़ों का प्रतिपादन किया गया है ध्यान दीजिएगा। जहाँ राज्य पक्षकारों के लिए महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव दूर करने के लिए कहा गया है, और जिसमें शिक्षा, नियोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरे में सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध करता है कि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार होगा, कोई लिंग भेद नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार में आपका ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 10 में। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंधित करता है कि नियोजन के क्षेत्र में महिलाओं के अधिकार पुरुषों के समान होंगे। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर पांच में आपका बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 11। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है किस अनुच्छेद में यह उपबंधित करता है कि राज्य पक्षकार स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं की प्राप्ति में, जिसमें परिवार नियोजन भी सम्मिलित है, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव दूर करने की कार्यवाही करेंगे। तो किस अनुच्छेद में यह उपबंधित करता है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 12 में। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव दूर करें तथा उन्हें भी वही अधिकार मिलें जो पुरुषों को प्राप्त हैं। तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सेवन में आपका सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 13 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है कि अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि ग्रामीण महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव दूर करें, राज्य पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे ऐसी महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करें। फिर आपको आगे बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सभी स्तरों पर विकास योजना और उसके अनुपालन में भागीदारी करना पहला पॉइंट, दूसरा पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा प्राप्त करना तथा परिवार नियोजन की सूचना प्राप्त करना, तीसरे में कहा है कि
कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से सीधे लाभ प्राप्त करना, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं महिलाओं के अधिकार से ही हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डी ऑप्शन से होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अभिसमय का अनुच्छेद 15 यह उपबंध करता है कि यहाँ पर राज्य पक्षकार विधि के समक्ष पुरुषों के साथ महिलाओं को समानता प्रदान करेंगे, और दूसरा कहता है महिलाओं द्वारा की गई संविदा को उनके द्वारा पूर्ण करने और संपत्ति का प्रशासन करने में समान अधिकार रखेंगी, और तीसरा राज्य पक्षकार न्यायालय तथा न्यायाधिकरण में तथा प्रक्रिया के समान अवस्थाओं में उनसे समान व्यवहार करेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका डी ऑप्शन से होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किस अनुच्छेद में यह उपबंध करता है कि राज्य पक्षकार विवाह तथा परिवार संबंधित सभी मामलों में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव दूर करने के सभी उपाय करेंगे, तो किस अनुच्छेद में यह उपबंध करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 16 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि रैंगिंग से रक्षा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, ए एवं बी दोनों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ए और बी पॉइंट्स को। महिलाओं एवं बालकों की शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग की पीड़ा को दूर करने की दिशा में भी न्यायालय द्वारा पहल की गई है। बी में कहा है रैंगिंग से रक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार माना गया है। तो यहाँ पर आपका ए एवं बी दोनों है, जो कि रैंगिंग से रक्षा में महिलाओं एवं बालकों की शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े पॉइंट्स हैं जो कि सही हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड आपको पॉइंट्स बताने हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों, मतलब शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है, जो कि सही है। बी ऑप्शन, किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार की सफलता वहां के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन से होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि किस मामले में हिंदू विवाह को मांस से मांस तथा हड्डी से हड्डी का मिलन बताया है, तो किस मामले में? तो 13 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, मनमोहिनी बनाम बसंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस मामले में यह मत व्यक्त किया है कि विवाह स्वर्ग में तय होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, दुर्गा पी बनाम अरुंधति के मामले में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हिंदू विवाह का वर्तमान स्वरूप प्राचीन स्वरूप जैसा नहीं रह गया है, इसका मुख्य कारण, तो ध्यान दीजिएगा 15 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों, मतलब अधिनियमों का पारित होना एक तो कारण ये हो गया, ठीक, जो कि सही है, ठीक है। और बी में कहा सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार द्वारा समय समय पर कई अधिनियम पारित किए गए, ठीक है। तो ये हैं मुख्य कारण, जो कि ए एवं बी दोनों हैं, तो इसलिए ए एवं बी दोनों होंगे, इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, हिंदू विवाह अधिनियम ने विधि में निम्नलिखित परिवर्तन करके प्राचीन हिंदू विवाह के संस्कारी स्वरूप को संविदात्मक स्वरूप में परिवर्तन करने का प्रयास किया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी, मतलब एक विवाह की मान्यता, दूसरा विवाह विच्छेद का उपबंध, और तीसरा अंतर जाति विवाह को मान्यता, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक विवाह के अस्तित्व में रहते हुए दूसरा विवाह करना धारा 5(1) तथा 2 के अधीन शून्य है, तो यह किस मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, बताइए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 17 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, स्वामीनाथन बनाम पलानी अम्मल एवं अन्य के मामले में।
ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, किस मामले में एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी स्त्री से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 18 में डी ऑप्शन सही होगा, भोगड़ी कन्ना, बाबू बनाम, बुगिना पाइदम्मा मामले में, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि अधिनियम की धारा 5(2) किन व्यक्तियों को मानसिक रूप से स्वस्थ मानती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, विधि माने सहमति देने में असमर्थ ना होना, ठीक, दूसरा संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य ना होना, और तीसरा उन्मत्तता के दौरे से पीड़ित ना होना, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि अधिनियम की कौन सी धारा सपिंडों के बीच विवाह का प्रतिषेध करती है। तो 20 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 5(5). आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।